कोई कम नहीं होगी और भी बढ़ेगी, क्योंकि चोरों ने मकान, चोरों ने लूटा है, कोई महंगाई कम नहीं होगी। ऐसे ही मैं लोगों को धोखा नहीं देने जा रहा। आप देखें ना, 5000 अकाउंट निकले हैं, 5000 मुर्दों को भी नहीं बख्शा। इन मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, इन्होंने मुर्दों को नहीं बख्शा, मियानी साहब के कब्रिस्तान को नहीं बख्शा, जिन लोगों ने जो आज बड़े चैंपियन बनते हैं। और मैं चीन से आने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से 10 कदम आगे है। वहां मैं गया हूं तो कंपनियों ने कहा जी कि हमारा उसके दामाद का मुझे नाम नहीं है कि उसके साथ काम करते रहे, सलमान के साथ काम करते रहे। इन्होंने लुट मचाई हुई थी। एक कानून ऐसा है कि टाइम लेता है, जिस दिन फलूदे वाले का अकाउंट आ गया तो इनका फलूदा है सियासी। और मैंने कल प्रोग्राम में भी कह दिया है कि इंशाल्लाह ताला नया साल चढ़ेगा इसके चढ़ने तक, और नए साल में झाड़ू फिर जाएगा चोरों पे। चीन में ये नहीं मुझे पता, मुश्किल सवाल है। देखें, गंद जहां जहां होगा वहां झाड़ू जाएगा इंशाल्लाह ताला। जहां गंद नजर आएगा वहां झाड़ू जाएगा, और नए साल में झाड़ू फिर जाएगा। और ये चेहरे नहीं दिखाई देंगे आपको जो बां 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 टै टै कर रहे हैं। लास्ट ये बड़ा मुश्किल सवाल है भाई, कब आएगा तो नहीं आएगा, इनको खजाने की तरफ ही भेज देंगे, जान छुट जाए यही बहुत है इनसे। वो समझते हैं कि मेरी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं। NRO सिर्फ शहबाज शरीफ कोशिश कर रहा है, वो नाकाम होगा। मैं देखें, मैं वो बात करता हूं जिसका जिसका मैं जवाब दे सकूं। NRO की एक ही शख्स कोशिश कर रहा है, उसका नाम है शहबाज शरीफ, वो नहीं मिलेगा। और जो सिंध पे आप सारे लोग मेरे बयान से जारी कर रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आसफ जरदारी पैदाइशी तौर पर खाम वाला जेल का, वो कॉलेज में भी उसकी एक्टिविटी ऐसी थी। वो देखें उसको क्या फर्क पड़ता है जी। अब मैं कहूंगा ऐसे ही बड़ी अजीब बात निकल जाएगी।